जिस वक्त देश में फोर व्हीलर का नाम और निशान नहीं हुआ करता था, उस वक्त BMW 5 सीरीज इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी थी। BMW 5 सीरीज को पहली बार साल 1972 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। उस समय ये कार इतनी पॉपुलर थी कि इसकी 10 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बहुत ही कम सालों में बिक गई। अब ये कार अपने 8वें अवतार में अपडेट होकर लॉन्च के लिए तैयार है। BMW 5 सीरीज की 8th जनरेशन 24 जुलाई को इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी। लॉन्च से पहले कंपनी ने इसकी बुकिंग भी लेनी शुरू कर दी है। इस बार ये कार अब तक के सबसे बड़े अपडेट्स को पाने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले ब्रांड ने इसका प्री लॉन्च किया, जहां जी बिजनेस को फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस के लिए बुलाया गया। हालांकि इस कार को हमने केवल 10 से 15 मिनट ही चलाया, लेकिन इतने में ही इस कार से जुड़ी कई डिटेल्स सामने आ गई, जिसे हम आपसे साझा करने वाले हैं। लुक के मामले में ये कार पहले से ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लग रही है। इसके पीछे का कारण इसकी लंबाई और चौड़ाई में बड़े बदलाव करना है। अपनी 7th जनरेशन की तुलना में ये अपकमिंग कार 212 मीटर और लंबी हो गई है, और यही वजह है कि ये कार जब सड़कों पर चलती है तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। इसके साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको 5 लिखा हुआ दिख जाएगा, जो 5 सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। खास बात यह है कि ये मॉडल भारत में ही असेंबल किया जाएगा। नई 5 सीरीज का केबिन नई 7 सीरीज जैसा ही है। लंबे व्हील बेस वाले वर्जन में पीछे की तरफ एक्स्ट्रा लेग रूम मिलता है। ज्यादा लेग रूम के लिए पीछे की सीट पर मोटी पैडिंग है, जिसमें रिक्लाइनिंग फंक्शन नहीं है, जैसा कि हम ई क्लास में देखते हैं। इसके अलावा आप रियर सीट को कैप्टन सीट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रियर सीट पर बैठने वाले पैसेंजर को भी मीडिया एक्सेस करने की सुविधा मिल जाती है। फ्रंट में 12.3 इंच के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ कर्व्ड डिस्प्ले और 14.9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले भी दिया गया है, जो iDrive 8.5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इस कार के अंदर साउंड क्वालिटी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए बोवर्स एंड विल्किंस के 18 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम ऑफर किया गया है, जबकि आउटगोइंग मॉडल में हर्बन कार्डन के स्पीकर मिलते हैं। फीचर्स के लिहाज से देखें तो इसमें वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जिंग, दो रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन और एडवांस सेफ्टी के लिए एडास सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। इसके अलावा 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर भी मिलने लगा है। इंडियन मार्केट में ये कार पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ पेश की जाएगी। हालांकि कंपनी की ओर से इसके इंजन के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। इसके लिए 24 जुलाई का इंतजार करना होगा, लेकिन उम्मीद है कि BMW अपने इस कार में 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है। कीमत की बात करें तो इस कार की कीमत 1 करोड़ रुपए एक शोरूम के आसपास जा सकती है, और इसका भी खुलासा कंपनी 24 जुलाई को ही करेगी।